हेलो, नमस्ते, आदाब। स्वागत है आप सभी का मेरे पॉडकास्ट रिविटिंग फैक्ट्स विद अभिज्ञा, पावर्ड बाय मार्केटिंग हुक के तीसरे एपिसोड में। भारत देश अपनी भिन्न संस्कृति और इतिहास के लिए पूरे जग में मशहूर है। इसके अलावा भारत को धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के लिए भी जाना जाता है। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही धार्मिक स्थलों के बारे में जिनका नाम आपने सुना ही होगा और शायद उन्हें वास्तव में देखा भी होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे उन धार्मिक स्थलों से संबंधित कुछ जाने अनजाने किस्सों के बारे में। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए बात करते हैं हमारे सबसे पहले मंदिर तिरुपति बालाजी के बारे में। आंध्र प्रदेश का श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जिसे हम तिरुपति बालाजी के नाम से जानते हैं, दक्षिण भारत के सुंदर और भव्य दिव्य मंदिरों में से एक है। ये मंदिर ये चित्तौड़ जिले के तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित है। ये मंदिर भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और हर साल यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए आते हैं। जितना सुंदर ये मंदिर है, उतने ही इसके साथ जुड़ी चमत्कारक कहानियां भी हैं। जानते हैं ऐसी ही कुछ कहानियों के बारे में। माना जाता है इस मंदिर में खुद वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ विराजमान है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी को बालाजी, गोविंदा, श्रीनिवासा इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि दशकों पहले यहाँ के राजा ने 12 लोगों को मृत्यु की सजा सुनाई थी और उन्हें मंदिर के आवास में ही फांसी दे दी थी। तब वेंकटेश्वर स्वामी खुद प्रकट हुए थे और इस मंदिर को 12 साल के लिए बंद कर दिया गया था। माना जाता है कि वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं, जो कभी नहीं उलझते और कभी नहीं झड़ते और ये हमेशा मुलायम रहते हैं। वेंकटेश स्वामी की मूर्ति पर हमेशा नमी बनी रहती है, एक पसीना आया सा लगता है और इसके पीछे का रहस्य भी आज तक कोई नहीं जान पाया। अगर आप मूर्ति पर कान लगाएं तो आपको समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देगी और आपको एहसास होगा कि आप समंदर के किनारे ही खड़े हैं। इस मंदिर में एक दिया ऐसा है जो हजारों सालों से बिना किसी तेल, बिना किसी घी या बिना किसी ईंधन के आज भी प्रज्वलित है। इसका भी राज एक राजी है कि ये दिया आज भी प्रज्वलित कैसे है, इसे किसने जलाया था। हर गुरुवार को वेंकटेश्वर स्वामी के मूर्ति को चंदन का लेप लगाया जाता है और लोगों का ये मानना है कि जब ये चंदन निकाला जाता है तो उनकी छाती यानी कि उनके वक्ष स्थल पर अपने आप माता लक्ष्मी की छवि उमड़ती है। इसीलिए वेंकटेश स्वामी को हमेशा ऊपर साड़ी और नीचे धोती की वेशभूषा में सजाया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में चढ़ाए जाने वाले फूल मंदिर से 23 किलोमीटर दूर किसी रहस्यमयी गांव से आते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति को इस गांव में आने जाने के लिए अनुमति नहीं है और इस गांव के लोग भी पूरे नियम और अनुशासन से रहते हैं। मंदिर के मुख्य दरवाजे के दाई ओर एक छड़ी रखी हुई है। माना जाता है कि बाल वर्ष में वेंकटेश स्वामी की पिटाई की गई थी और उस दौरान उन्हें उनकी ठोड़ी यानी कि चिन पर चोट लगी थी, इसीलिए आज भी उनकी ठोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। मंदिर में जितने भी फूल या तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं उन्हें भक्तों को ना देकर मंदिर के पीछे स्थित एक जल कुंभ में विसर्जित किया जाता है। माना जाता है कि इन फूलों का चढ़ावा बाद में रखना ठीक नहीं, यानी भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के बाद इन फूलों का अपने पास रखना ठीक नहीं। वेंकटेश स्वामी की मूर्ति पर एक खास तरह का कपूर चढ़ाया जाता है जिसे पछाई कपूर कहते हैं। इस कपूर की खास बात यह है कि अगर इसे किसी पत्थर पर लगाया जाए
तो वो पत्थर कुछ देर बाद टूट जाता है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन इस कपूर का व्यंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर कोई असर नहीं होता। जब आप व्यंकटेश्वर के दर्शन को गर्भगृह यानी एंट्रेंस से देखते हैं तो आपको मूर्ति ठीक बीचों बीच दिखाई देती है, लेकिन दर्शन के बाद जब आप बाहर आके वापस मूर्ति को देखते हैं तो वो दाईं ओर स्थित दिखाई देती है। इस मंदिर की गिनती भारत के सबसे अमीर मंदिरों में होती है। यहाँ आने वाले भक्त अपनी इच्छा अनुसार हीरे, मोती, सोना, चांदी आदि का दान देते हैं। कहा जाता है कि ये परंपरा राजा कृष्णदेव राय के समय से चली आ जा रही है और वो खुद बहुत सारा हीरा, सोना, चांदी, पैसा इत्यादि मंदिर में दान किया करते थे। तो ये थी कुछ बातें तिरुपति बालाजी के बारे में। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के केरला राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। ये मंदिर भारत के मुख्य वैष्णव मंदिरों में से एक है। वैष्णव मंदिर यानी वो मंदिर जहां भगवान विष्णु या उनके अवतारों को मुख्य रूप से पूजा जाता है। इस मंदिर के निर्माण की सही तारीख आज तक कोई नहीं पता लगा पाया, ना ही ये बता सकते हैं कि इस मंदिर की मूर्ति का निर्माण कब हुआ। इस मंदिर का आर्किटेक्चरल डिजाइन ड्रेविडियन स्टाइल और चेरा स्टाइल से एकत्रित यानी फ्यूजन करके बनाया गया है। इस मंदिर की जो इमारत है उसे गोपुराम कहते हैं और इस गोपुराम पर बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। इस मंदिर के श्री कोविल में भगवान विष्णु अनंत सयना में देखे जाते हैं, जिसमें अनंत का मतलब है इन्फाइनाइट और सयना का मतलब है लेटे हुए। लेकिन असल में ना वो लेटे हुए हैं ना वो सोए हुए हैं, बल्कि वो गहरी योग निद्रा में है या समाधि में है। इस मूर्ति पर कभी कोई अभिषेक नहीं किया जाता। इस अनुष्ठान या रिचुअल के लिए दूसरी मूर्ति का इस्तेमाल किया जाता है। इस मूर्ति पर गुड़, सालिग्राम और जड़ी बूटी का मिश्रण लगाया जाता है ताकि इस मूर्ति को नुकसान ना पहुंचे। माना जाता है कि मूल मंदिर के मगरमच्छ शाकाहारी है। जी हाँ, माना जाता है कि मूल मंदिर के मगरमच्छ शाकाहारी हैं। है ना चौंका देने वाली बात। ये कैसे हो सकता है यह आज तक कोई नहीं बता सका। विषुव यानी इक्विनॉक्स साल में दो बार होता है, जहां रात और दिन समान अंतर के होते हैं। इस दिन सूरज पद्मनाभ स्वामी मंदिर के मध्य भाग से नीचे जाता है और मंदिर का गोपुराम इस प्रकार बनाया गया है कि सूरज सभी दरवाजों से गुजरकर ही डूबता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी भारत के अमीर मंदिरों में से एक है। इसकी कुछ खास वजह ये भी है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। मंदिर के तहखाने में 6 कक्ष यानी 6 वॉल्ट्स हैं, जिन्हें ए, बी, सी, डी, ई और एफ कहा जाता है। इन कक्षों के पीछे का इतिहास कुछ इस तरह है। सन 1930 में कुछ लुटेरे इस मंदिर को लूटना चाहते थे और उन्होंने इस वॉल्ट को या इस कल्लर को खोलने की कोशिश की। कहा जाता है जब उन्होंने ये कोशिश की, जब ये वॉल्ट खुला तब अंदर से कोबरा सांप बाहर आए और लुटेरे उस वजह से भाग गए। इस घटना के बाद लोगों के मन में एक शंका सी जम गई कि इन वॉल्ट्स के पीछे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। और इस शंका के चलते 2011 में एक आईपीएस ऑफिसर ने उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की, जिसमें यह था कि इन वॉल्ट्स को खोल दिया जाए। इस पिटीशन के उत्तर में सुप्रीम कोर्ट ने 7 लोगों की कमेटी स्थापित की और ये वॉल्ट्स खुलवा देने का आदेश दिया। जब इन वॉल्ट्स को खोला गया तब इनमें से तकरीबन 1,00,000 करोड़, जी हाँ 1,00,000 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई, जिसमें अनेक हीरे जवाहरात, सोने की मूर्तियां, नायाब पत्थर आदि शामिल थे।
अब तक 5 वॉल्ट खोल दिए गए हैं सिवाय वॉल्ट बी के। इसे खोलने की भी कोशिश की गई थी लेकिन ये एक मजबूत धातु से बनाया गया है। इसमें ना कोई की होल है, ना कोई ताला है और ना ही इस पर कोई जॉइंट्स है। इस वॉल्ट के दरवाजे पर सांप की नकाशी की गई है। अनेक ज्योतिष, मंदिर के ट्रस्ट और अन्य विद्वान लोगों द्वारा ये वॉल्ट बेहद रहस्यमय, पवित्र, जोखिम भरा और खोलने के लिए खतरनाक कहा जाता है। ये माना जाता है कि राजा मार्तंडवर्मा के काल में इस वॉल्ट को नागपसम या नागबंधम मंत्र से बंद कर दिया गया था। इस वॉल्ट के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर इसे किसी ने जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो उसका विनाश निश्चित है। इतना ही नहीं, इससे पूरे भारत पर प्रलय उमड़ सकता है। कईयों का ये भी मानना है कि सिर्फ कोई उच्च साधु या सिद्धि पुरुष जिसे गरुड़ मंत्र का ज्ञान हो वो ही इस नाग बंधम का मंत्र का निवारण कर सकता है और वो ही सिर्फ इस वॉल्ट को खुलवा सकता है। जब इस वॉल्ट को खोलने का प्रयास हुआ था तब याचिका यानी पेटिशन करने वाले जो आईपीएस ऑफिसर थे उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई, जिसके बाद लोगों का इस वॉल्ट संबंधित बातों पर यकीन होने लगा और इस वॉल्ट पर हमेशा के लिए बंदी आ गई या इसे हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दिया गया। माना जाता है कि इस वॉल्ट को खोलने के लिए मानवीय प्रयास की जरूरत है ही नहीं। किसी सिद्ध पुरुष या साधु का गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही ये वॉल्ट अपने आप खुल जाएगा और ऐसा ना करने पर दरवाजे पर बने सांप इसे खोलने वाले पर कहर बरसा सकते हैं। तो ये थी कुछ जानी अनजानी बातें पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं इस एपिसोड के आखिरी मंदिर की, जो मंदिर है भारत के चार धाम यात्रा में से एक। मैं बात कर रही हूँ उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार में जाने वाले जगन्नाथ को समर्पित है। ये मंदिर बंगाल समुद्र से काफी करीब बनाया गया है। कहा जाता है इसे बनाने का फरमान राजा इंद्रद्युम्न ने दिया था। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के पीछे की एक अद्भुत कहानी को। राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उनके मन में एक चाह थी कि वो भगवान के दर्शन कर सके, वो भी जीवित रूप में। एक दिन एक खबर आई कि जंगल में कुछ आदिवासी भगवान जगन्नाथ को नील माधव के रूप में पूजते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं। जैसे ही राजा ने यह खबर सुनी, उन्होंने तुरंत कई ब्राह्मण को इन आदिवासियों के खोज में भेज दिया, लेकिन सब ब्राह्मण खाली हाथ लौटे। फिर एक ब्राह्मण जिनका नाम था विद्यापति राजा, उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को आश्वासन दिया कि वो किसी भी तरह, किसी भी हाल में नील माधव की जगह ढूंढ लेंगे। बहुत ढूंढने के बाद विद्यापति यानी कि वो ब्राह्मण एक जगह पहुंचे जहां कुछ आदिवासी रहते थे। उन आदिवासियों के मुखिया का नाम था विश्वासु। विद्यापति काफी दिनों तक वहीं रुका रहा और उसने देखा कि विश्वासु रोज किसी निश्चित समय कहीं जाता और लौटने पर उसके बदन से चंदन और कपूर की खुशबू आती। इसी बात को और जानने के लिए विद्यापति ने विश्वासु की बेटी ललिता से शादी कर ली। शादी के बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से इस जगह के बारे में पूछा और दामाद होने का फायदा उठाकर विश्वासु को इस जगह पर ले जाने के लिए मना लिया। विश्वासु ने विद्यापति के आंख पर पट्टी लगा दी ताकि उसे रास्ते का पता ना चले, लेकिन विद्यापति चतुर था। उसने रास्ते पर सरसों के बीज गिरा दिए ताकि राजा को रास्ते का पता चल सके। विश्वासु विद्यापति को नील माधव की जगह पर ले गया और विद्यापति को उनके दर्शन भी हो गए।
कुछ दिनों बाद विद्यापति ने राजा के पास जाकर ये खबर नील माधव के बारे में दे दी और राजा तुरंत ही उस जगह के लिए निकल पड़े। राजा उन सरसों के बीज जिसके अब पौधे बन चुके थे उसके जरिए उस जगह पर पहुंचे, पर वहां कुछ नहीं था। राजा बहुत निराश हुए और उपवास करने लगे। तब राजा को एक आकाशवाणी द्वारा ये पता चला कि जगन्नाथ एक लकड़ी के रूप में समंदर में तैरते दिखेंगे और तुम्हें उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति या छवि यानी कि इमेज बनानी है। राजा ने ठीक वैसे ही किया और बहुत से मूर्तिकार और कलाकार को दरबार में आमंत्रित किया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी से या उस पेड़ से कुछ बना नहीं पाया। कहा जाता है कि एक दिन खुद भगवान एक मूर्तिकार के रूप में आए और अपना नाम अनंत महाराणा बताया। उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं इस पेड़ से या इस लकड़ी से मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मुझे ये काम 21 दिनों में करना होगा और 21 दिनों तक मुझे ये काम करते हुए कोई नहीं देख सकता। राजा इस बात पर राजी हुआ और उस ब्राह्मण को एक कमरा दे दिया जिसमें उन्हें बंद कर दिया गया। 14 दिन बीत गए और 14 दिन बीतने के बाद राजा को बंद कमरे से किसी काम की आवाज आ ही नहीं रही थी, इसीलिए राजा ने दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसा कि मैंने कहा कि अनंत महाराणा यानी कि वो जो भगवान रूप में खुद मूर्तिकार बनकर आए थे, उन्होंने 21 दिन ना खोलने का आदेश दिया था या शर्त रखी थी, लेकिन राजा ने तत्पर होकर 14 दिन में ही दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जब दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि कारीगर गायब है और 3 मूर्तियां आधी बनी हुई हैं जिनके सही हाथ सही पांव नहीं है। अपने कृत्य पर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ और फिर एक आकाशवाणी हुई जिसमें यह कहा गया कि इन मूर्तियों को इसी रूप में स्थापित कर दिया जाए। आज भी हमें मूर्तियां इसी रूप में दिखाई देती हैं। जितना विशाल ये मंदिर है उतनी ही गहरी इसके पीछे की कुछ चमत्कारक रहस्य है। आइए बात करते हैं ऐसे ही और कुछ रहस्यों की। मंदिरों में हमें हमेशा किसी भगवान या देवी देवताओं की मूर्ति देखने मिलती है, परंतु जैसी कहानी मैंने बताई उससे आपको पता चल ही गया होगा कि इस मंदिर में लकड़ी पर भगवान की छवि को तराशा गया है। मंदिर की घुंबट यानी डोम के ऊपर एक ध्वज लहराता है, लेकिन ये ध्वज हवा के विपरीत यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये कोई एक चमत्कार ही हो सकता है। इसी ध्वज के नीचे मौजूद है एक सुदर्शन चक्र जो कि एक ही दिशा की ओर बनाया गया है, लेकिन जब भी हम इस सुदर्शन चक्र को किसी भी एंगल से किसी भी साइड से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह चक्र हमारी ही तरफ देख रहा है। इस मंदिर के आसपास कोई भी पक्षी उड़ता नहीं दिखाई देता, यहां तक इस क्षेत्र में ऊपर से कोई विमान भी नहीं उड़ता। इस मंदिर का मुख्य घुंबड यानी कि डोम काफी विशाल है और इतना विशाल होने के बावजूद भी इसकी कभी परछाई नहीं गिरती। अब इसे हम ऊंदा आर्किटेक्चर कहें, बेस्ट इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल कहें या चमत्कार कहें, ये मंदिर समंदर से काफी करीब स्थित है जिसे मंदिर के आसपास के एरिया में लहरों की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं आवाज एकदम से गायब हो जाती है। दरवाजा खुला होने के बावजूद भी अंदर कोई आवाज नहीं आती, यानी लहरों की आवाज नहीं आती। हम सबको ये बात तो पता है कि समंदर किनारे हवा समंदर से जमीन की तरफ बहती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के आसपास के किनारों पर ठीक विपरीत होते दिखाई देता है।
जगन्नाथ मंदिर में एक पुरानी प्रथा रही है जो आज भी निभाई जाती है। वो ये है कि हर रोज जगन्नाथ मंदिर के ऊपर का ध्वज बदल दिया जाता है। अगर ये प्रथा एक दिन भी छूट जाए तो मंदिर को अगले 18 सालों तक बंद कर दिया जा सकता है। जगन्नाथ में हर रोज करीब 2000 से 2 लाख तक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इन श्रद्धालुओं के लिए भारी मात्रा में प्रसाद बनवाया जाता है। कहते हैं कि जो भी प्रसाद बनता है वो ना कभी कम होता है ना कभी ज्यादा होता है, अर्थात कभी बचता ही नहीं है। इस प्रसाद को मिट्टी की हांडी में लकड़ियों की मदद से पकाया जाता है। इसे पकाने की पद्धत में एक बात ऐसी है जिसका आज तक कोई कारण नहीं जान पाया। ये प्रसाद 7 हांडियों को एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। अब जाहिर सी बात है, हम किसी भी लॉजिक से अगर सोचे तो नीचे वाली हांडी का प्रसाद सबसे पहले पकना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ ठीक विपरीत होता है। सबसे ऊपर वाली हांडी का प्रसाद सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाली हांडी जो कि ठीक लकड़ी के ऊपर है उसका प्रसाद सबसे आखिर में पकता है। हर 14 से 18 साल बाद लकड़ी की इन आइडल्स को बदल दिया जाता है और इस रीति से पहले आइडल्स अपने आप ही बिखर जाते हैं। कोई नहीं जानता कि ये कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। जो भी होता है एक बंद कमरे में होता है। किसी को ये देखने की नौबत नहीं आई है, ना ही पुजारियों को। कहा जाता है कि अगर कोई ये रीति को देख ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये थी कुछ जानी अनजानी बातें जगन्नाथ मंदिर के बारे में। तो ये थी कुछ जानी अनजानी बातें काफी जाने माने मंदिरों के बारे में। ऐसे कई और सुंदर मंदिर हैं जिनका आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल है, इंजीनियरिंग एग्जाम्पल है, जिनके पीछे काफी चमत्कार है और बहुत खूबसूरत कहानियां भी हैं। ऐसे मंदिर ठीक भारत में ही हमें देखने मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं जानने के लिए बहुत कुछ है, खोजने वाला चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और मिलते हैं जल्दी हमारे अगले एपिसोड में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए मैं अभिज्ञा आपसे विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।